आपको लगेगा कि इन लोग हमारी बात को सुनेंगे, दो मिनट पाँच मिनट भी सही, लेकिन हमें समझने का कोशिश करेंगे कि क्या हम कर रहे हैं। और जब तक हमारे पास बहुत लंबा लिस्ट नहीं होगा, जब तक हम हमारे पास ज्वाइनिंग नहीं होगा, तो लिस्ट में भी हमें कैसे कटघरे पा सकते हैं, कौन हमारे साथ आएंगे, कौन कभी हाँ बोलेंगे कभी ना बोलेंगे, कौन हमें नेगेट करेंगे। तो मतलब पहले तो आपको फ्रेंड सर्किल मिल जाइए, दोस्तों लोग को इन्वाइट करिए, हम ये काम कर रहे हैं, खेल से है, हमें खेल भी मिलता है, क्या तुम हमारे साथ आओगे। तो अपने फ्रेंड में तो आपको पता ही होगा कि कौन हमारा बात इजली सुनेगा, जो हम कहेंगे वही हमारे साथ चलेगा, कौन हमें निगलेक्ट करता है, या तो फिर फ्रेंडशिप है लेकिन उस तरह से हम फर्स्ट फ्रेंड नहीं है। तो हॉट लिस्टिंग में दोस्तों को आ जाएगा जो आपके बात को सुनेगा। ये टॉपिक एक बार हम लोग सर बताए थे लिस्ट कैसे करते हैं, वही चीज़ हम रिवाइज कर सकते हैं ताकि हमारे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका भी हो। तो वहाँ से हम लोग हॉट लिस्ट निकालेंगे, जो कि आपके बात होता है कि हम यहाँ चल रहे हैं, चलो घूमने के लिए हम वहाँ चल रहे हैं, तो कल ये पार्क चल रहे हैं, तो हमारे साथ वो लेते हैं, तो हम लोग के साथ हॉट लिस्टिंग करेंगे। उन लोग के साथ बैठ करके आराम से आप इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि अगर तुम जॉब में हो या बिजनेस कर रही हो या तुम कोई भी स्कूल में टीचिंग में लाइन में कर रही हो या बैंक में जॉब कर रही हो या कोई भी बिजनेस कर रही हो, तो साथ साथ इसे भी हम लेके चल सकते हैं और आने वाले दिन में हम अपना अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले पार्ट टाइम जॉब के रूप में इसे हम रखेंगे, तो जो लोग आसानी से आ जाएंगे उन्हें हॉट लिस्ट में रखेंगे। और दूसरी बात है लिस्ट का संख्या, आप जैसे व्हाट्सएप हम लोग चलाते हैं तो बहुत सारे हम लोग फ्रेंड्स सर्किल में आ जाते हैं, जैसे हम लोग का नारी ग्रुप है उसमें कितनी सारी है, कितना सारा है, 60-70 बहुत सारा 100 पार्ट है। उस तरह से हम लोग जैसे किसी को आए दिन हम लोग प्रोडक्ट देते हैं, सैनिटरी नैपकिन हो गया, एपी प्लस का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, उनसे तो हम लोग फॉलोअप करते हैं ना कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, तो उनके थ्रू भी तो उनका नंबर लेते हैं। जब हम प्रोडक्ट देते हैं तो मांगते हैं ना कि मैडम या सर आपका नंबर दे दीजिए ताकि हम फॉलोअप करें, आपको याद दिला दें कि आपने सप्लीमेंट लिया है या नहीं, यूज़ किया कि मेरा तो कैसा लगा, कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं है। तो वहाँ से भी हम लोग व्हाट्सएप के जरिए एक ग्रुप बनाएंगे जिसके नए नए लोगों को जो हम प्रोडक्ट देते हैं वो एक साथ हम अगर हमारे ग्रुप से कोई अच्छा सा प्रोडक्ट का मैसेज मिले या कुछ भी अगर सेमिनार या कुछ भी होता है तो वहाँ से मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, तो वहाँ से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन मैसेज को रीड कर रहे हैं और क्या क्या हम हमारे पास जवाब भेज रहे हैं, तो वहाँ से भी हम लोग लिस्ट छाट सकते हैं। उसमें देखेंगे कि उसमें से भी आप हॉट कैटेगरी में आप छाट सकते हैं कि कौन हमारे मैसेज के हर एक मैसेज को रीड कर रहे हैं और हमें अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं, तो वहाँ से भी छट जाएगा आपका हॉट कैटेगरी में आएगा, वहाँ से भी आप फिर आपकी से जो आज ट्यूजडे के दिन जो हम लोग को होता है हम वो ही कामयाब, आप यहाँ भी लाएंगे और मैडम अक्सर से मिलवाएंगे तो यहाँ से भी हमारे साथ आ सकते हैं। और जो कम रीड करते हैं मैसेज को या कभी कलाए ये आपको जवाब देते हैं उनको हम वन कैटेगरी में रखेंगे, जो हाँ और ना वाले होंगे। तो इस तरह से दूसरे जो कैटेगरी है वन कैटेगरी है तो उसमें हम लोग रखेंगे उस कैटेगरी वाले को लोग जो कभी कभी मैसेज रीड करते हैं, तो वहाँ से भी हम लोग फेस टू फेस बैठ करके या बात कर सकते हैं कि सर आप बैंक में हो या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे पार्ट टाइम जॉब जैसे पीछे मुड़िए जैसे कहेंगे नहीं मुझे नहीं करना है और आपको भी निगेटिव कर देंगे, उन्हें तो करना
मना नहीं है, साथ साथ आपको भी मना करेंगे करने को, नहीं ये सब कुछ नहीं है, तो उन्हें हम कैसे लाएंगे इस टीम, अपने टीम में। तो हम लोग का जो इवेंट होता है कभी कभी, तो वहां पर भी ला सकते हैं, या यहाँ हम होंगे कामयाब यहाँ पर भी ला सकते हैं, या हम होम मीटिंग करते हैं, या अपने लोगों के बीच में मीटिंग करते हैं, तो उन्हें एज ए गेस्ट के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप हम मीटिंग कर रहे हैं 10 से 12 लोग का, आप वहाँ पे गेस्ट बन के आइए। तो जब वो गेस्ट बन के आएंगे, अपने आप को वैल्यूएबल पाएंगे कि हमें इतना वैल्यू दिया जा रहा है, और देख करके उन्हें अच्छा लगेगा, अपने आप में अच्छा फील करेंगे, तो लगेगा कि हाँ ये इस मीटिंग, ये इस बिजनेस को करना चाहिए। तो इस तरीके से वो फिर आपके पास आएंगे, आपके टीम में शामिल होना चाहेंगे और आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स के जरिए, फैमिली के जरिए नए नए लोगों को प्रोडक्ट देकर अपना लिस्ट की संख्या बढ़ाएंगे। जितना ज़्यादा लिस्ट का संख्या होगा उतना ही लोग आपके पास आएंगे। अगर 100 होगा तो उसमें से 10 ही आएंगे। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आसमान जैसी थोड़ी है कि जो साड़ी दिखाई है बस उसे लेंगे, 10 देखेंगे तब एक लेते हैं सर, उससे भी ज्यादा देखते हैं, है ना। तो फिर कैसे सोच रहे कि जी हमको मेरे पास आएगा और वो एकदम से आ जाएगा और ज्वाइन कर लेगा, राइट है। वो मेरे को नहीं कर रहा, वो इस सिस्टम में नहीं आना चाह रहा, क्योंकि सबको ही नियांशी ज्वाइन कर लेगा तो हमारा ओला कौन चलाएगा, हमारा सब्जी कौन बेचेगा, दुकान में कौन रहेगा, है कि नहीं, मेरे घर में काम कौन करेगी, सब बोलेंगे नियांशी ही करेंगे, तो सब तुमको मिलेगा ही नहीं, सब नियांशी नियांशी नियांशी, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एवरेज है कि 10 लोग से आप मिलना है और उसमें से एक लोग आपके जरूर रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और जितना अच्छा आप गाइड करना सीख जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, तो हो सकता है 10 में से 2, 3, 4 लोग भी आ सकते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, जितना ज्यादा एक्सपर्ट आप हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि यहाँ पर जो एक होता है कि हमें डोर टू डोर नॉक करके नहीं जाना है, समझ गए ना। वेरी सिंपल, हम अपने घर में एक बच्चे का बर्थडे रखते हैं, लिस्ट बनाते हैं, बेटी की शादी करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, वो लिस्ट बिना ये सोचे, पहला ये नियम है ना, आप सोचो मत कि वो करेगा नहीं करेगा, सबसे पहले अपने डायरी में नाम लिख दो, ये दिमाग को खाली कर दो, जिसका नाम आए पहले लिख डालो, बाद में सोचेंगे कि वो करेगा कि नहीं करेगा, समझ गए बात को। सबसे पहले लिस्ट बनाना है। अब आपके पास सोचिए अगर 300-400 जो नॉर्मल है शादी में हम लोग बुलाते हैं, अब सोचिए 300 लोगों का लिस्ट है मिनिमम, मुझे लगता है कोरोना में 300 था, अभी तो 500 भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 500 लोगों का लिस्ट अगर डायरी में है तो क्या होगा, आपको हिम्मत होगा उसमें से 50 लोग ना बोल देंगे, तो लगेगा क्या बात है, 450 लोग तो है ना, कर लेंगे हम भी, समझ के बात को, क्यों लिस्ट बनाना जरूरी है और क्यों आपको हिम्मत मिलेगा। इस प्रोफेशन में आपको पूंजी पैसा नहीं है, पूंजी हमारा क्या है, लोग है। तो पूंजी जैसे बैंक में रहता तो खुश रहते हैं ना, चलो इतना 50 लाख रुपया बैंक में है, खुश है। इसी तरह अगर आपके पास 500 लोगों का लिस्ट होगा ना तो आप खुश रहोगे, 4 लोग ना भी बोल देंगे ना फिर भी यहाँ से लगेगा कोई बात नहीं है, बल्कि उसको दिखा देना मैं तो आपका ना सुनना चाह रहा था, मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट है, तो वो भी सीरियस हो जाएगा आपका लिस्ट देखकर कि देखो सच में कितना ज्यादा ये कॉन्फिडेंट अपने बिजनेस को लेकर, आप समझ रहे हो। लिस्ट हमेशा आपके पास रहना चाहिए, सबसे पहले तो अपने को लगेगा कि यस तुम नहीं करो तो क्या बात है, अभी भी मेरे पास इतने लोग हैं, क्लियर। तो मैं चाहूंगी कि आज के बाद 13 तारीख के बाद सबके पास सबके डायरी में लिस्ट होना चाहिए, क्या मैं ऐसा सोच सकती हूँ, क्योंकि ये बिजनेस का रूल है, समझ के बात को, इस बिजनेस का सिलेबस है। आप पहला जो पेज रहेगा उसमें जरूर लिखे कि आपने प्रियांशी को क्यों ज्वाइन किया है, और उसके बाद लिस्ट बनाए कि कितने लोग आपके कांटेक्ट में हैं, बिना ये जाने हुए कि वो काम करेगा नहीं करेगा, हॉट लिस्ट में है, वार्म लिस्ट में है, कोल्ड लिस्ट में है, फर्क नहीं पड़ता है, बाद में छांट लेंगे, उसमें बहुत ज्यादा बहुत लोग हेल्प के लिए है, समझ के बात को ना, वो आपके हिम्मत के लिए है। और एक चीज इस फिल्म में रोज करना है, 10 लोगों से बात करना है, 2 लोगों से मिलना है, क्या कर सकते हैं आप लोग उसी लिस्ट में से, कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट के बारे में कंपनी के बारे में, नहीं,
कैसे हो? मैं तो मजे में हूँ, आजकल तो ऐसा काम कर रहा हूँ टाइम ही नहीं मिल रहा है। समझ गए बात को? वो क्वेश्चन करे, आपको नहीं बोलना है, वो क्वेश्चन करे आप कैसे हो। आपके आवाज में वो एक खनक होना चाहिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप खुद ही मरने जैसे बोलोगे कि अरे बहुत गर्मी है, दिन तो कट रहा है, कैसे तो मोस्ट कभी आपके साथ काम करना चाहेगा क्या? हर इंसान एनर्जी के साथ काम करना चाहता है। यस, इसके साथ मैं जुड़ जाऊंगी, इसके साथ मैं जुड़ जाऊंगा तो बहुत कुछ मिल सकता है। समझ गए बात को? बिजनेस की बात है ना, बिजनेस पार्टनर आप खोजोगे जो कि एकदम खुद ही सुस्त है, बोलेंगे 4 बजे तो आएगा 6 बजे, आप ऐसे लोगों को जुड़ना चाहोगे क्या? लगेगा कि नहीं, फट काम का नहीं, काम हर घर में होता है, बस कोई देखते हैं कोई इन्हीं काम को पूरे दिन में लगा रहता है, उसी काम को करने में, और कोई फिटाई से 2 घंटे में कर लेगा। ऐसा नहीं, हर घर में खाना बन रहा, हर घर में फैमिली है, और हम लोग हमेशा कहते हैं उसको पहले देखना है, उसके बाद ये काम करना है, नहीं तो वहां से प्रेशर रहेगा तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। समझ के बात को? तो पहले उन्हें सेटिस्फाई करना है, फिर भी आप बाहर निकल पाओगे और कोई आपको बोलेगा नहीं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा अपने को मैनेज करने का बिजनेस है। हम खुद मैनेज हो जाते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं, जैसे पहले हम खुद को